हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के पार्ट वन को देखेंगे और पार्ट वन में हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का ट्रिक देखेंगे, है ना। एक ऐसा ट्रिक हम आपको बताएंगे जैसे देखते ही ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम इसका सॉल्यूशन करें ना, तो केवल इसके पहले पार्ट को तोड़ेंगे तो एक बट्टा दो को तोड़ेंगे तो एक गुने दो, ठीक है, और अंतिम वाला को तोड़ेंगे 132 है 11 गुने 12, ठीक है। अब देखो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, एक शुरू वाला पार्ट एक बट्टा एक यानी कि एक, और एक लास्ट वाला एक बट्टा 12, और इसके बीच में चिन्ह बस माइनस का दीजिए, आपका आंसर आ गया एक माइनस एक बट्टा 12 यानी कि 11 बट्टा 12, तो आपका आंसर विकल्प बी हो गया, ठीक है। मात्र इतना कैलकुलेशन हम लोग करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, लेकिन इस तरीके से आंसर इतना जल्दी आंसर निकालने के लिए आपको पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तब जाके आप आराम से क्वेश्चन को देख के आंसर बता पाओगे। तो आइए सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इतना जल्दी हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन और इस पैटर्न पर आधारित और क्वेश्चन का आंसर करें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए क्या है कि जब भी नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में रहे, जैसे देखो आप दो और तीन में अंतर कितना का है, एक का है, नीचे वाला दोनों में अंतर कितना का है, एक का है, तो जब भी नीचे वाला दोनों में अंतर ऊपर में दिया जाए तो हम इसके लिए एक बट्टा दो, ऊपर में हमेशा एक ही लिखना, ऊपर में कुछ भी रहेगा फिर भी ऊपर में एक लिखना, आप एक बट्टा दो माइनस एक बट्टा तीन लिख सकते हैं। नीचे वाला दोनों का अंतर जब भी ऊपर में रहे तो हम इसके लिए एक बट्टा दो माइनस एक बट्टा तीन लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें आपसे एक बट्टा तीन गुने चार, पुनः देख लीजिए यहां पे नीचे वाला दोनों का अंतर देखिए, तीन और चार में अंतर कितना का है, एक का है, ऊपर में अंतर अवेलेबल है, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एक बट्टा तीन माइनस एक बट्टा चार। अच्छा, ऐसे जो आप लिख रहे हैं एक बार इसको कैलकुलेशन करके भी चेक कर लीजिए कि क्या इस तरीके से इस संख्या के बदले में जो ऐसे लिखे हैं उसका लाभ जो क्वेश्चन आप देखें वहां मिलने वाला है हम लोगों को, है ना। लेकिन क्या इसको हम इतना लिख सकते हैं, तो एक बार वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। इधर देखिए वैल्यू क्या है, एक बट्टा बारह, इधर भिन्न का घटाव करिए, तीन और चार का एलसीएम 12, ना तीन चौके 12 तो चार होगा, चार तिया 12 तो तीन होगा, चार माइनस तीन यानी कि एक बट्टा 12 इधर भी है, एक बट्टा 12 इधर भी है। तो कहने का मतलब है कि इसके बदले में इतना लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में रहे, ध्यान रखिएगा एक कंडीशन है, नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में रहना चाहिए तभी हम ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम आपसे कहें दो बट्टा पांच गुने सात, यहां भी आप लोग ध्यान रखोगे दो बट्टा पांच गुने सात, नीचे वाला दोनों का अंतर देखिए, पांच और सात में कितना का अंतर है, दो का अंतर है, नीचे वाला दोनों में अंतर कितना का है, दो का अंतर है, ऊपर में अवेलेबल है, तो जब भी नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में रहे तो इसके लिए लिखिए एक बट्टा पांच। अब ऊपर में दो मत लिख देना, आप ध्यान रहे ऊपर में दो मत लिखना, बस अंतर ऊपर में रहे, इसी से मतलब है, ऊपर में हमेशा लिखेंगे हम एक ही, तो एक बट्टा पांच और माइनस एक बट्टा सात। अब आपके दिमाग में ना एक छोटा सा कंफ्यूजन जाएगा, आप सोचोगे कि सर यहाँ पे मेरा मन कर रहा था ना कि हम दो बट्टा पांच माइनस दो बट्टा सात लिखे, तो अगर आप दो बट्टा पांच माइनस दो बट्टा सात लिखते तो गलत हो जाता। देखो कैलकुलेशन करते हैं हम, पांच और सात का एलसीएम क्या होगा, 35, पांच सते 35 तो सात, माइनस सात पंचे 35 तो पांच, सात माइनस पांच दो, दो बट्टा 35, यह भी आपका क्या है, दो बट्टा 35 है, तो बराबर आ गया। आपको बस इस पे ध्यान रखना है कि हम इसके लिए इतना लिख सकते हैं, ठीक है, इसके लिए हम इतना लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम आपसे कहे, एक डाटा और देख लीजिए, अगर हम आपसे कहे तीन बट्टा सात गुने दस के लिए क्या लिख सकते हैं, तो पुनः चेक करिए आप, नीचे वाला दोनों का अंतर देखिए ऊपर में है, हाँ सर सात और दस में तीन का अंतर है और ऊपर में तीन अवेलेबल है, तो इसके लिए हम लिखेंगे एक बट्टा सात माइनस एक बट्टा दस, एक बट्टा सात माइनस एक बट्टा दस लिख सकते हैं। आप कैलकुलेशन करके चेक कर लो, इसका वैल्यू आपका इतना ही आएगा। अब इसका लाभ देखिए कहां आपको मिलने वाला है, गौर से देखिए इसका जो लाभ आपको मिलने वाला है ना, एक बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन से आपको हम यहां पे दिखला देते हैं, है ना। जैसे एक बट्टा दो गुने तीन, ओके, प्लस एक बट्टा तीन गुने चार, प्लस एक बट्टा चार गुने पांच, प्लस एक बट्टा पांच गुने छः। अब इसको ले जाइए जहां तक आपके जी में हो, ठीक है, हम यहीं तक छोड़ देते हैं, बट यह सीरीज यहीं तक नहीं रुकेगा, यह सीरीज आपका 99 तक 100 तक भी जा सकता है, लेकिन कहीं तक भी जाएगा उसका आंसर आप बड़े आराम से कर पाओगे अगर आप इसको समझ जाते हो। तो देखो इसमें नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है तो हम इसके लिए एक बट्टा दो माइनस एक बट्टा तीन लिख सकते हैं। अरे अभी तो आपने सीखा था ना कि जब भी नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में रहे तो इसके बदले में इतना लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं,
प्लस, इसके लिए देखिए, इसके लिए नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है तो एक बट्टा तीन माइनस एक बट्टा चार तो लिखोगे ना, लिखेंगे सर प्लस है तो प्लस, इसके लिए बताओ क्या लिखोगे आप, एक बट्टा चार माइनस एक बट्टा पांच लिखेंगे सर, उसी तरीके से प्लस है तो प्लस, इसके लिए एक बट्टा पांच माइनस एक बट्टा छह लिख सकते हैं ना। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इतना लिखा जा सकता है, यही तो आपने अभी जस्ट बताया था, यही चीज तो आपने ऊपर देखा था ना कि जब भी नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में रहे तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें भी वैल्यू आपका वही आ जाता है, इक्वल आ जाता है, ठीक है। चलिए तो हम इसके लिए इतना लिख सकते हैं प्लस है तो प्लस, इसके लिए इतना लिख सकते हैं प्लस है तो प्लस, इसके लिए इतना लिख सकते हैं प्लस है तो प्लस। अब इससे लाभ क्या मिला, अब लाभ देखो क्या मिला, एक बट्टा तीन माइनस में एक बट्टा तीन प्लस में कट गया, एक बट्टा चार माइनस में एक बट्टा चार प्लस में कट गया, एक बट्टा पांच माइनस में एक बट्टा पांच प्लस में कट गया, इसको मत काट देना, एक बट्टा छह नहीं कटेगा क्योंकि एक बट्टा छह माइनस में तो है बट आगे एक बट्टा छह प्लस में नहीं है तो वह नहीं कटेगा। अब देखो बचा कौन इसमें से, बचा एक शुरू वाला एक बट्टा दो, यही बचा ना, और एक लास्ट वाला एक बट्टा छह, और इसके बीच में चिन्ह क्या होगा, देखो माइनस के साथ बचा है ना तो बीच में चिन्ह क्या होगा, माइनस का होगा, ध्यान देना आप, है ना, बीच में चिन्ह क्या बच रहा है, माइनस बच रहा है। तो अब आगे जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो आप इस लाइन को तो करना ही मत, आप इस लाइन को तो करना ही मत, इस लाइन का काम करना तो बेवकूफी होगा हमारे लिए। जब भी इस पैटर्न पर क्वेश्चन आए, पैटर्न समझ लीजिए, एक बट्टा दो गुने तीन, तीन गुने चार, चार गुने पांच, इस पैटर्न पर क्वेश्चन आए तो बीच वाला सब कट जाएगा, बीच वाला सब कट जाएगा, एक शुरू वाला बचेगा, मतलब कि एक बट्टा दो पकड़ लेना है, एक शुरू वाला यानी एक बट्टा दो और एक लास्ट वाला यानी एक बट्टा छह, और इसके बीच में चिन्ह क्या बचेगा, माइनस का। बस यही लाइन हमारा कैलकुलेशन होगा अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है तो। अब कैलकुलेशन कर लो, दो और छह का एलसीएम क्या होगा, छह दो तीन छह तो तीन, माइनस छह कम छह तो एक, तीन माइनस एक दो, दो बट्टा छह, दो बट्टा छह का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, दो बट्टा छह का वैल्यू तो एक बट्टा तीन हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक बट्टा तीन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया है, जब भी नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में रहे तो बीच वाला जो भी होगा वह सब आपस में कटेगा, एक शुरू वाला बचेगा और एक लास्ट वाला बचेगा, है ना, एक शुरू वाला बचेगा एक लास्ट वाला, और उसके बीच में चिन्ह क्या बचेगा, माइनस का बचेगा। अब आ जाइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे बाद में, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी बाद में करेंगे, आज ये हम इस क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन से शुरुआत करते हैं। गौर करिए, नीचे वाला दोनों का अंतर देखिए ऊपर में है, हाँ सर है, नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है, हाँ सर है, यहां भी है, यहां भी है, सब में है, यानी क्वेश्चन उसी पैटर्न पर है जो अभी आपने सीखा, है ना, क्वेश्चन उसी पैटर्न पर है जो अभी आपने सीखा। तो ऐसे क्वेश्चन में बीच वाला सब कटेगा, एक शुरू वाला यानी कि एक बट्टा एक, एक बट्टा एक यानी कि एक, और एक लास्ट वाला यानी कि एक बट्टा सौ, एक शुरू वाला यानी एक बट्टा एक और एक लास्ट वाला यानी एक बट्टा सौ बचेगा, और इसके बीच में चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का। यही चीज तो आपने सीखा है ना, है ना, एक बट्टा दो माइनस में एक बट्टा दो प्लस में, एक बट्टा तीन माइनस में, एक बट्टा चार प्लस में, अगर इस पूरे पैटर्न को आप लिखोगे तो बीच वाला सब निश्चित रूप से कट जाएगा, केवल एक शुरू वाला बचेगा और एक लास्ट वाला बचेगा। तो शुरू वाला कौन है, एक बट्टा एक, मतलब कि एक, और लास्ट में कौन है, एक बट्टा सौ, बीच में चिन्ह क्या होगा, माइनस। एक में से एक बट्टा सौ माइनस करोगे, निन्यानवे बट्टा सौ आ जाएगा ना, भिन्न का घटाओ तो पता है ना, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो सौ से इसमें सीधे गुना, तो सौ माइनस एक निन्यानवे, निन्यानवे बट्टा सौ, हमारा आंसर निन्यानवे बट्टा सौ आ जाएगा। आप क्वेश्चन को देखोगे और इसका आंसर कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं आगे, बिल्कुल शुरू से अब हम लोग चलते हैं। लीजिए, यही क्वेश्चन था आपका पहला। देखो इसमें क्या करना है ना कि एक बट्टा दो है, तो एक बट्टा दो के लिए हम एक बट्टा, अगर यहीं पे तोड़ ले इसको, हम अगर हम यहीं पे हम तोड़ ले तो एक बट्टा एक गुने दो लिख सकते हैं, प्लस छह के लिए क्या लिख सकते हैं, एक बट्टा दो गुने तीन लिख सकते हैं, प्लस बारह के लिए एक बट्टा तीन गुने चार लिख सकते हैं। देखो ना आप, यह क्या है, एक एक गुने दो है, छह मतलब दो गुने तीन बारह, यानी तीन गुने चार, चार गुने पांच, पांच गुने छह, छह गुने सात, सात गुने आठ। उसी तरह से अंतिम में एक बट्टा क्या लिखेंगे हम, 11 गुने बारह 132 आ जाएगा। अरे इसके लिए तो हम इतना लिख सकते हैं ना, दो के लिए एक गुने दो, छह के लिए दो गुने तीन, बारह के लिए तीन गुने चार। अब जब आप सबको तोड़ लीजिएगा तो वह उसी पैटर्न पे आ गया ना, नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में, समझ पा रहे हैं आप, नीचे वाला दोनों का अंतर कहाँ है, ऊपर में, यहां भी नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में, तो इसमें सब कटेगा, एक शुरू वाला, तो शुरू वाला क्या है, एक बट्टा एक यानी कि एक, और लास्ट वाला क्या है आपका, एक बट्टा बारह, यही चीज तो आपको बताया गया था, एक बट्टा बारह, और इसके बीच में चिन्ह क्या बचेगा, माइनस का। बस कर लो इतना कैलकुलेशन आप, आपका आंसर आ जाएगा, बारह में एक से गुना करेंगे, बारह माइनस एक ग्यारह, ग्यारह बट्टा बारह, आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, ग्यारह बट्टा बारह,
ठीक है, एक शुरू वाला जब आप इसको तोड़ोगे ना तो शुरू वाला क्या है, एक गुने दो है, है ना, दो का मतलब एक गुने दो, छः के मतलब दो गुने तीन, इस तरह से लिखते जाओगे तो बीच वाला तो सब कटेगा ही, शुरू वाला एक बट्टा एक यानी कि एक, लास्ट वाला एक बट्टा बारह, बीच में चिन्ह माइनस का। अब चलते हैं आगे, लीजिए अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा गौर से देखिए, एक बट्टा पंद्रह है ना, भिन्न का जोड़ करने के लिए जाएंगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। पंद्रह के लिए एक बट्टा हम तीन गुने पांच लिख सकते हैं क्या, आंसर लिख सकते हैं। प्लस पैंतीस के लिए एक बट्टा पांच गुने सात लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। चलिए तिरसठ के लिए सात गुने नौ, उसी तरह से आगे देखिए, निन्यानवे के लिए नौ गुने ग्यारह और एक सौ तैतालीस के लिए ग्यारह गुने तेरह, पैटर्न बस समझ लीजिए कितना के अंतर पे चल रहा है ना, तीन गुने पांच, पांच गुने सात, सात गुने नौ, नौ गुने ग्यारह, ग्यारह गुने तेरह, यही तो पैटर्न चल रहा है। अब आप बताओ कि होगा क्या, होगा यह कि बीच वाला सब कटेगा, एक शुरू वाला यानी एक बट्टा तीन, शुरू वाला कौन है एक बट्टा तीन, और एक लास्ट वाला यानी एक बट्टा तेरह, और इसके बीच में चिन्ह क्या होगा, माइनस का, यही बचता है ना ऐसे क्वेश्चन में। अरे ऐसे क्वेश्चन में तो आपका यही बचता है, बीच वाला सब कट जाता है, एक शुरू वाला यानी एक बट्टा तीन और एक लास्ट वाला यानी कि एक बट्टा तेरह और इसके बीच में चिन्ह माइनस का, केवल यही बचता है। लेकिन ऐसा कब होता है, रुको थोड़ा सा समझो यहाँ पे आप, ऐसा कब होता है, जब नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में रहे, जब नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में रहे, यह बात तो हम बार बार बोलते थे, लेकिन यहां देखिए क्या नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है, अंतर है दो का और ऊपर में एक है, अंतर है दो का ऊपर में एक है, यानी नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में नहीं है। तो हम इसके लिए ऐसा कैसे लिख सकते हैं, ऐसा तो तब लिखते जब नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में रहता। घबराइए मत, यहां गौर से देखिए, अगर ना अंतर है फिर भी इतना काम कर लीजिएगा ना, बीच वाला सब कटेगा, एक शुरू वाला एक लास्ट वाला बचेगा, लेकिन जब अंतर ऊपर में ना रहे तो जो अंतर होगा ना उससे फाइनल आंसर में आप बस भाग कर देना, ठीक है। जब नीचे वाला का अंतर ऊपर में ना रहे तो जैसे आप क्रिया करते थे वैसे ही करिए, एक शुरू वाला और एक लास्ट वाला बचेगा, ठीक है, इसके बीच में चिन्ह माइनस का होगा, यही करते थे ना, यही करिए, और अंतर ऊपर में ना रहे तो सिर्फ क्या करना है, अंतिम स्टेज में आपको अंतर से कर देना है भाग। तो यहां भाग कर देंगे कितना से, दो से। अब सोल्व करिए, तेरह माइनस तीन, भिन्न का जोड़ करिएगा तो तेरह तीन उनचालीस होगा, है ना, तीन से तो तेरह और तीन दस बट्टा उनचालीस, और यहां पे देखिए भाग के जगह गुना देंगे तो दो उल्टा हो जाएगा एक बट्टा दो, यही होगा ना, भाग उल्टा होगा तो गुना, भाग के जगह गुना का चिन्ह लिखते हैं तो यह उल्टा, दो के बट्टा में कुछ नहीं तो एक, एक बट्टा दो, दो से काटिए, दो पंचे दस यानी पांच बट्टा उनचालीस आपका आंसर आ गया। आपका आंसर कितना आ गया, पांच बट्टा उनचालीस आ गया। बात समझ पाए हैं आप, नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में नहीं था तो हम फाइनल आंसर में क्या किए, बस अंतर से भाग कर दिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला है आपका एक बट्टा तीन प्लस एक बट्टा पंद्रह, है ना, सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं अलग क्वेश्चन है। देखिए एक बट्टा तीन है तो एक बट्टा तीन के लिए क्या लिख सकते हैं हम, एक बट्टा एक गुने तीन प्लस पंद्रह के लिए एक बट्टा तीन गुने पांच, देखो आप प्लस आगे देखो पैंतीस है तो पांच गुने सात, पुनः आगे देखिए तिरसठ है ना तो सात गुने नौ, और आगे आपका निन्यानवे है तो नौ गुने ग्यारह लिखा जा सकता है ना, तो इन सबों को हम तोड़ के इस तरीके से लिख लिए, ठीक है। चलिए तीन के लिए एक गुने तीन, पंद्रह के लिए तीन पंचे पंद्रह, पांच सत्ते पैंतीस, तिरसठ के लिए सात गुने नौ, तो पैटर्न आप देखिएगा तो समझ जाएगा, एक तीन तीन पांच, पांच सात, सात नौ, नौ ग्यारह। अब आप बताइए कि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, बीच वाला सब करता है, एक शुरू वाला तो एक बट्टा एक यानी कि एक, और एक लास्ट वाला एक बट्टा एक ग्यारह, है ना, और इसके बीच में चिन्ह क्या होता है, माइनस का, यही बचता है ना। लेकिन ऐसा कब होता है, जब नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में रहे, लेकिन नीचे में दोनों का अंतर दो का है, ऊपर में एक है, नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में फिर से अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं है, अंतर से आप इसमें क्या कर लीजिए, भाग कर लीजिए। अंतर से क्या करना है, भाग करना है, आंसर आ जाएगा हमारा। अब इसका क्रिया करिए, ग्यारह में से एक माइनस करिए, दस बट्टा ग्यारह, और भाग के जगह गुना दो है तो एक बट्टा दो हो जाएगा, दो से काटिए, दो पंचे दस, अरे भाग के जगह गुना लिखते हैं तो यह उल्टा हो जाता है ना, क्या आ जाएगा आपका इसका आंसर, पांच बट्टा ग्यारह। तो इस अगले क्वेश्चन का भी आपका आंसर हो गया पांच बट्टा ग्यारह, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लीजिए इस क्वेश्चन को तो आप बना ही चुके हैं, इसमें एक शुरू वाला एक बट्टा एक यानी कि एक, और एक लास्ट वाला एक बट्टा सौ। आगे चलिए यहां पर आप देखिए क्या है, यहां पर एक गुने दो, दो गुने तीन, तीन गुने चार, अंतर देखिए दोनों में एक का ऊपर में है, अंतर देखिए दोनों में एक का ऊपर में है, यहां पे देखिए इस दोनों में अंतर n, n प्लस वन, एक का ही अंतर है ना, एक के अंतर करने का मतलब है कि तीन
दो से एक ज्यादा है तो एक का अंतर, इससे एक ज्यादा है तो एक का अंतर, तो एन प्लस वन एन से एक ज्यादा है तो एक का अंतर, तो नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है, तो इसमें भी एक शुरू वाला यानी एक बट्टा एक मतलब कि एक, और एक लास्ट वाला एक बट्टा एन प्लस वन, यही तो बचेगा ना, एक बट्टा एन प्लस वन, और इसके बीच में चिन्ह क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, एन दे एक्स दे क्या फर्क पड़ता है, तरीका हमारा वही रहेगा, बीच वाला सब कटेगा, एक शुरू वाला यानी एक बट्टा एक और एक लास्ट वाला यानी कि एक बट्टा एन प्लस वन, और बीच में चिन्ह क्या होगा, माइनस का होगा। अब भिन्न का जोड़ और घटाव अगर आपको पता है तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन आप कर लीजिए, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो एन प्लस वन से सीधे एक में गुना, तो एन प्लस वन। ठीक है, उसके बाद माइनस वन है तो माइनस वन रहेगा, और बट्टा में जो है वही रह जाता है ना। ठीक है, भिन्न का जोड़ किए हैं यह तो आपका, घटाव किए हैं, ठीक है घटाव है, तो अब प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बचा एन, और नीचे में क्या बचा आपका एन प्लस वन। आंसर अगर इतना है तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं अब हम, तो एन बट्टा एन प्लस वन आंसर नहीं है, आंसर है एक से छोटा, एक से बड़ा, एक बट्टा दो से छोटा। हम सोचते हैं कि यहाँ जो हमारा आंसर आया है वह इसमें से किस ऑप्शन के बराबर है, तो एन में एन प्लस वन से भाग करिए, यानी ऊपर में छोटा संख्या नीचे में बड़ा संख्या, एन बट्टा एन प्लस वन फॉर्म का कोई भी संख्या लीजिए, तो ऊपर में चार तो नीचे में उससे एक ज्यादा पांच, चार में पांच से भाग करिए, 0.40 हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 0.8, यह कितना आया, एक से कितना है छोटा है, कोई भी संख्या लीजिए, ऊपर में 9 लेंगे तो नीचे में कितना हो जाएगा 10, भाग करिए 9 में 10 से, 0.9, देखो ना एन बट्टा एन प्लस वन का फॉर्म है ना इस संख्या का, 0.9 आया, मतलब एक से क्या आ रहा है छोटा, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक से छोटा, हमारा आंसर एन बट्टा एन प्लस वन होगा। लेकिन ऑप्शन में n बट्टा n प्लस वन अवेलेबल नहीं है, तो n में अगर हम n प्लस वन से भाग करेंगे तो मान हमेशा क्या होगा, एक से छोटा आएगा, छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग करिएगा तो मान आपका एक से छोटा आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, लीजिए इस अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, उस फॉर्म पे ले जाइए, उस पैटर्न पे ले जाइए जो पैटर्न अभी आपने सीखा है। तो एक बट्टा दो के लिए क्या लिखेंगे हम, एक बट्टा एक गुने दो, प्लस छ के लिए एक बट्टा दो गुने तीन, और अगर आपके जी में आए तो तोड़िए, नहीं तो आगे बढ़िए, प्लस लास्ट में देखिए क्या है, लास्ट में एक बट्टा एन इंटू एन प्लस वन, यही तो है ना, इसी का तो मान निकालना है ना, हम तोड़ लिए, एक गुने दो, दो गुने तीन, तीन गुने चार, चार गुने पांच, पांच गुने छह, छह गुने सात, यही तो है ना। अब ऐसे क्वेश्चन में बीच वाला सब करता है, एक शुरू वाला एक बट्टा एक और एक लास्ट वाला एक बट्टा एन प्लस वन, और इसके बीच में चिन्ह क्या बचेगा, माइनस, यही तो बचता है ना। अब कैलकुलेशन कर लो मेरे भाई, यहां से आप n प्लस वन से एक में गुना करोगे तो n प्लस वन, माइनस है तो माइनस, वन है तो वन, बट्टा n प्लस वन। अब जो कटने वाला है इसमें आप उसको काट लीजिए, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचा n और बट्टा में आपका n प्लस वन, तो हमारा आंसर यही n बट्टा n प्लस वन हो जाएगा, यानी कि विकल्प डी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आपको इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, एक शुरू वाला एक बट्टा एक यानी एक, और एक लास्ट वाला यानी एक बट्टा n प्लस वन। ठीक है, एक बट्टा एन प्लस वन बचेगा, यही तो बचेगा ना। अब भिन्न का घटाव करना है तो इसके बट्टा में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो आप एक भी लिख सकते हैं, तो एक और एन प्लस वन का एलसीएम एन प्लस वन, अब एक से भाग करेंगे एन प्लस वन में तो एन प्लस वन, एक में गुना तो एन प्लस वन। इससे बेहतर है कि अगर किसी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं होता है तो जो दूसरा संख्या है उसके बट्टा वाला से सीधे इसमें गुना करते हैं, यही तो तरीका है ना। चलिए आगे बढ़िए, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, यह सातवां क्वेश्चन है। यहां बोला गया है कि एक बट्टा पांच गुने छह प्लस एक बट्टा छह गुने सात प्लस एक बट्टा सात गुने आठ के पहले 20 पदों का योग क्या होगा, यानी इसी तरीके का अगर 20 पद लिखा जाए तो उसका योग क्या होगा। आप देखो यहां पे कि कितना पद लिखा गया है, एक दो तीन पद लिखा गया है। ठीक है, कितना पद लिखना है हमें, 20 पद। अच्छा आप एक चीज सोचो कि पांच से शुरू हुआ है, पांच और दो सात, सात तक लिखेंगे तो दो पद हो जाएगा, पांच से शुरू हुआ है अगर हम आठ तक लिखे, पांच और तीन आठ तक लिख दे तो तीन पद हो जाएगा। तो उसी तरह से एक बट्टा पांच गुने छ प्लस एक बट्टा छ गुने सात प्लस एक बट्टा सात गुने आठ, देखिए पांच से शुरू हुआ है अगर हम पांच और तीन आठ तक लिख दे तो तीन पद हो जाएगा, पांच और चार नौ तक लिख दे तो चार पद हो जाएगा। तो पहले 20 पदों का योग लिखना है, मतलब ऐसा ऐसा 20 पद लिखना है, तो पांच से शुरू करके 20 पद यानी 5 + 20 = 25 तक जाएगा। तो यह श्रेणी हमारा कहां तक जाएगा, 25 तक, यानी अंतिम जो होगा ना पद वह 1/24 × 25 होगा। हमें तो केवल यही पकड़ना था ना कि अंतिम पद कौन होगा,
तो इसका अगर 20 पद लिखेंगे तो 5 से शुरू किए हैं 7 तक लिखेंगे, यानी पहला दो पद लिखना होगा तो 5 और 2 7 तक, पहला तीन पद तो 5 से शुरू करेंगे 5 और 3 8 तक, पहला चार पद तो 5 4 9 तक, पहला 10 पद तो 5 5 10 तक, पहला 20 पद तो 5 और 20 25 तक, यानी अंतिम पद 1/24×25 हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ हमें किस पूरे सीरीज में बीच वाला तो सब कटेगा क्योंकि नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है, तो एक शुरू वाला यानी 1/5 और एक लास्ट वाला यानी 1/25। देखो देखो आप यहां पे जो लास्ट वाला है वो कितना 1/25 और इसके बीच में चिन्ह क्या रहेगा माइनस का। बस कर लीजिए आगे कैलकुलेशन, 5 और 25 का एलसीएम 25, 25 तो 5 माइनस 25 में 25 से भाग करेंगे 1, 1 में 1 से गुना 1, 5 माइनस 1 4, 4/25। यह कैलकुलेशन तो आपके समझ में आता ही होगा, 1/5 में से 1/25 घटाना है, भिन्न का घटाव है, कितना हो जाएगा आपका 4/25, तो आपका आंसर हो जाएगा 4/25। तो इस तरीके से जो है ना वह सिंप्लीफिकेशन का हमने पार्ट वन कर दिया है समाप्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उससे पहले इस पूरे वीडियो को जरूर पूरी तरह से देख के जाइएगा, है ना, और कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं नोट जरूर करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, वापस मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।